हेलो फ्रेंड्स, मेरे रसोई टीवी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं खट्टा मीठा कद्दू। खट्टा मीठा कद्दू बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो कद्दू, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक पिसा हुआ टमाटर, एक कड़छी सरसों का तेल। मसालों में हमने लेना है 1/4 चम्मच मेथी दाना, ये आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच धनिया, सूखा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक भी आप स्वाद अनुसार ले सकते हो, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 2 साबुत मिर्च लाल मिर्च, आधा चम्मच मसाला, एक टुकड़ा गुड़ का जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक टुकड़ा अदरक बारीक पिसा हुआ, आधी हरी मिर्च। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, जीरा, सौंफ और धनिया। इनको अच्छी तरह से हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। सभी मसाले ब्राउन होने पर हम इसमें प्याज डालकर अच्छी तरह से इनको ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को बीच बीच में हिलाते हुए हम इनको तब तक भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाएं। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनमें पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से हिलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च, सभी मसाले ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल अलग ना हो जाए। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसमें टुकड़े किया हुआ गुड़ डाल देंगे और साथ ही हम इसमें कटा हुआ पेठा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी को पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, आइए देखते हैं कि ये कैसी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी पूरी तरह से बन चुकी है, पेठा भी अच्छी तरह से गल गया है। हमारी खट्टी मीठी पेठे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है।